एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान गीतकार साहित्यकार श्री गौरी शंकर सोनगराजी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इन्होंने देश के कई मंचों से अपनी कविताएं पढ़ी। आज ये हमारे बुलावे पर एसटीएन कार्यालय में पहुंचे हैं। इनसे हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी शिक्षा, इनके व्यवसाय और साहित्य के प्रति इनकी अभिरुचि कब से रही, इस बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं गौरी शंकर सोनगराजी से। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सोनगरा साहब। अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से, शिक्षा व्यवसाय और किस रूप में आपने साहित्य की तरफ अपना कदम रखा। मैं गौरी शंकर सोनगरा, मूल रूप से हम आज से चौथी पांचवी पीढ़ी तो मारवाड़ से हैं जी। बाकी हम लोगों की पैदाइश सब भाई बहनों की कोटा की है और कोटा में ही निवास करते हैं। मैं मूल रूप से वैसे एक छोटा सा व्यापारी हूँ और तकरीबन शहर के अधिकतर लोग जानते भी हैं। और साहित्य में मेरी रुचि, कोटा दशहरा रंगमंच पर हम लोग कविता सुनने के लिए जाया करते थे, सुनते सुनते एक शौक लगा और मैंने कविता पाठ करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। 92-93 से मैं इस क्षेत्र में हूँ। देश के कई मंचों के ऊपर मैंने कविता पाठ किया, कोटा की तमाम संस्थाएं हैं उनमें कविता पाठ किया, कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ भी रहा। सोनगरा जी, हाड़ोती में कई कवि हैं और साहित्य लिखने वाले हैं, किन किन लोगों का आपके साहित्य पर प्रभाव देखने को मिला? कोटा दशहरा रंगमंच पर मैं अपने राजस्थानी कवि सम्मेलन में कई बार मैंने पढ़ा, वहाँ जाता हूँ और वहाँ मैं अपनी रचनाएं वगैरह पढ़ता हूँ, तो सभी लोगों का सानिध्य मेरे प्रति अच्छा रहा। जैसे बड़े बड़े जितने कवि हैं, कोटा के भी हैं, बार के भी हैं, उन सब लोगों का मेरे प्रति अच्छा स्नेह रहा और आज भी है जी। जब आपने गीत लिखने शुरू किए थे तो उन गीतों में भाव जो आया, तो किन गीतकारों का प्रभाव ज़्यादा आपके गीतों में पड़ा? भाई, मैं जब कोटा दशहरा रंगमंच पर कविता पाठ करने सुनने के लिए जब मैं जाया करता था, तो मैंने सबसे पहले एक रचना सुनी, वो बपावर के पास एक गांव से हैं, अपने गेहूँखेड़ी है जी। अपने जगन्नाथ जी गोचर जी। उनकी पहली मैंने रचना सुनी, उसके बाद से मुझे ये शौक लगा। तो सोनगरा जी, जब आपने कविता पाठ शुरू किया, तब जब आप पहली बार मंच कब मिला आपको, और जब मंच मिला तो कैसी अनुभूति आपको हुई उस समय? पहली बार मैं जब कोटा रंगमंच पर गया, मेला दशहरा रंगमंच पर, तब मुझे ये लगा, मैंने कहा यार कि मैं इतने सारे लोगों के बीच के अंदर हूँ, एक मेरे लिए उत्साह का अवसर था। तब मेरे मन में ये आया कि गौरी शंकर कहीं मैं जो है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत रखी और कविता पाठ किया। इसमें भाई साहब दुर्गादान सिंह जी गोड भी रहे, मुकुटमणि राज जी भी रहे और भी कई दिग्गज जो थे हमारे साहित्यकार वो रहे, उनका भी काफ़ी अच्छा स्नेह रहा और मैंने वहाँ पहली बार कविता पाठ किया। उसके बाद निरंतर समय समय पर जब भी निगम बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। आप सोनगरा जी, देश में और किन 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 प्रांतों में या आप अन्य जिलों में गए हों, कहाँ कहाँ आपने रचना पाठ किया आपका? मैं अपने हाड़ोती के कई गांवों के अंदर गया, यहाँ से एक बार मैं लखनऊ गया हुआ था, वहाँ भी एक जगह कवि सम्मेलन था तो मेरे एक परिचित मुझे ले गए, मैंने वहाँ भी कविता पाठ किया। सोनगरा जी, कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। चलो, मेरा मन है कि मैंने कोटा मेला दशहरा रंगमंच से ही अपनी कविता पाठ शुरू की है, तो
तो मैं मेले दशहरे के ऊपर ही आपको ये गीत जो है सुना। कमोटर गाँव गाँव सू, कमोटर गाँव गाँव सू आई गोरी भर भर के, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बेट जारी मोटर में। मोटर गाँव गाँव सू, कमोटर गाँव गाँव सू आई गोरी भर भर के, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बैठ जारी मोटर में। क कोटा का दशवारा माही भीड़ पड़े छे भारी, कोटा का दशवारा माही भीड़ पड़े छे भारी, अर कवि सम्मेलन सुनबा गोरी आव घणा नरनारी, कवि सम्मेलन सुनबा गोरी आव घणा नरनारी। नाचे गोरड़ी मेला में चक्का जाम कर के, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बैठ जारी मोटर में। क एशियाड को सर्कस देखा देखा नटवर लाल, एशियाड को सर्कस देखा देखा नटवर लाल, और मौत को कुओ देखा बेगी बेगी चाल, और मौत को कुओ देखा बेगी बेगी चाल। आपा झूला भी अरर आपा झूला भी, अरर आपा झूला भी झूलेंगा गोरी डोलर में, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बैठ जारी मोटर में, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बैठ जारी मोटर में। क पन्ना की पकौड़ी खा ले सॉफ्टी खन्ना की, पन्ना की पकौड़ी खा ले सॉफ्टी खन्ना की, अरे रसपी ल गन्ना को छोरी कविता सुन धन्ना की, रसपी ल गन्ना को छोरी कविता सुन धन्ना की। नाचे गोरड़ी क नाचे गोरड़ी मेला में चक्का जाम कर के, गोरी देख ल दशवारो मेड़ो बैठ जारी मोटर में। मोटर गाँव गाँव सू, क मोटर गाँव गाँव सू आई गोरी भर भर के। बहुत बढ़िया सोनगढ़ा जी, दशहरा दशहरे पे बहुत अच्छी ही आपने दशहरे मेले का वर्णन किया, बहुत अच्छी कविता आपने उस समय ये दशहरा रंगमंच से मेला रंगमंच से सुनाई थी। आप जो गीत लिखते हो सोनगढ़ा जी, ये किन विधाओं में लिखते हो आप? श्रृंगार पे भी लिखते हो या किसी किन किन विधाओं में आप गीत लिखते हो? वैसे तो मैं जो हूँ एक हालिया कवि हूँ, जो हाल जो ताज़ा हाल होता है, ताज़ा हालात होते हैं, अखबार पढ़ता हूँ मैं, उसके ऊपर कविता लिखने का पूरा प्रयास करता हूँ, और फेसबुक से मैं प्रतिदिन जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कोई ना कोई नई चीज़ रेगुलर में डालता ही रहता हूँ जो सब लोग पढ़ते हैं, और आप लोगों का उत्साह भी है, आप लोगों से भी मुझे काफ़ी उत्साह मिलता है, और मेरे कई कवि मित्र हैं जो लाइक कमेंट्स भी करते रहते हैं। आज हाड़ोती में कई गीतकार सामने आ रहे हैं, आपके जब आपने मंच साझा किया था उसके बाद भी कई जो गीतकार सामने आ रहे हैं हाड़ोती में, तो कैसा लगता है जब ऐसे युवाओं को आप देखते हो? कोई भी नया कवि जैसे हमारे सामने आता है, अगर उसने कोई चीज़ हमें सुनाई, जैसे भारतेंदु समिति में हम लोग जाते हैं रेगुलर, उसको कई संस्थाओं में जाते हैं, अगर मुझे कहीं लगता है कि भाई गौरी शंकर इसमें थोड़ी सी कमी है, तो मैं सामने तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जब कभी वो मिलता है तो मैंने कहा भैया आपकी पंक्तियाँ हमने सुनी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अगर आप चाहें तो कर लें, तो बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें जैसे हमें लोगों ने आगे बढ़ाया है, हमारा भी यही लक्ष्य है। गौरी शंकर जी, आप कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं से जुड़ने से एक साहित्यकारों को या गीतकारों को क्या मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है काव्य गोष्ठियों से? भाई एक तो जो नए लोग आते हैं उनको सीखने का अवसर मिलता है, और एक जो पुराने कवि हैं वो भी सीखते ही हैं कि भाई नए ने क्या सुनाया और पुराने ने क्या सुनाया और हम क्या सुना रहे हैं। सोनगढ़ा जी, और आपने कई गीत लिखे हैं हमारे दर्शकों को सुनाए, चलो एक छोटी सी गजल में जो है आपके सामने। कि दिल तो कई धड़कते देखे, दिल तो कई धड़कते देखे, दिल तो कई धड़कते देखे, पग पग दीपक जलते देखे, दिल तो कई धड़कते देखे, पग पग दीपक जलते देखे, पथराई आँखों के सपने धूल गर्द में मिलते देखे,
पथराई आँखों के सपने धूल गर्द में मिलते देखे, ऐसी क्या मजबूरी भाई, ऐसी क्या मजबूरी भाई, संदल सांप बिछड़ते देखे, ऐसी क्या मजबूरी भाई, संदल सांप बिछड़ते देखे। कशिश अगर चंदन में है तो, कशिश अगर चंदन में है तो, उस पर सांप लिपटते देखे। कशिश अगर चंदन में है तो, उस पर सांप लिपटते देखे। बेईमानों की पोबा राहे, सच्चे हाथ ही मलते देखे। बेईमानों की पोबा राहे, सच्चे हाथ ही मलते देखे। गैरों को खुश होते देखा, गैरों को खुश होते देखा, और अपने ही जलते देखे। गैरों को खुश होते देखा, और अपने ही जलते देखे। और सोनगरा जी साथ तुम्हारे, अब कोई ना चलते देखे। दिल तो कई धड़कते देखे, दिल तो कई धड़कते देखे। पग पग दीपक जलते देखे, पथराई आँखों के सपने धूल गए। वाह सोनगरा जी, बहुत सुंदर गजल आपने सुनाई। सोनगरा जी, आपने अब तक जो गीत लिखे, कविताएं लिखी, तो इनकी क्या आपने पांडुलिपि तैयार की, जो आप यानी साहित्य प्रकाशन की ओर आपका रुख है क्या? जी, पांडुलिपि अभी तक तो मेरी कोई नहीं आई, लेकिन ये प्रयासरत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने सारी अपनी कविताएं इकट्ठी कर ली है, और जैसे ही बुक निकलेगी तो इसका एक अच्छा विमोचन करवाएंगे, आप लोगों को भी भेंट की जाएगी। सोनगरा जी, आज जो कविताएं लिखी जा रही है, वह किस तरह की कविताएं जो आने वाले कवि लिख रहे हैं, आपको किस तरह मतलब वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, दर्शकों को क्या मानते हैं आप? दरअसल सबका अपना अपना एक, जैसे हम टेस्ट कह सकते हैं जी। कोई श्रृंगार पे लिखना पसंद करता है, कोई वीररस पे लिखना पसंद करता है, कोई हाल पर लिखना शुरू करता है। मैंने 2004 में, आज से सन 67 के अंदर, 1967 में मेरे पिताजी ने कैथून में एक प्लॉट ख़रीदा और उसके मकान बनाया, और हम लोग वहाँ रहने के लिए चले गए। वहाँ से थोड़ी सी दूर पर विभीक्षण जी का एक मंदिर है, उस वक्त वो मंदिर नहीं हुआ करता था वहाँ, हम वहाँ खेला करते थे। लेकिन वो उस जगह का चित्रण मेरे दिमाग में था, वहाँ एक विभीषण जी का मंदिर बना। तो मेरे एक मित्र हैं रामविलास जी राठौड़, जो विभीषण किराना स्टोर के नाम से दुकान लगाते हैं कैथून में, मैंने उनको देखा। देखने के बाद मैंने कहा, यार गौरीशंकर, विभीषण जी का मंदिर भारत में एकमात्र है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक एल्बम बना दिया जाए शॉर्ट फिल्म। तो मैंने विभीषण जी महाराज के ऊपर एक एल्बम बनाया, उसकी एक प्रति मैं लेके भी आया हूँ आपको भेंट करने के लिए। उसमें मैंने फिल्मी गीतों के ऊपर कई भजन भी हैं, और कई उसमें मैंने, जब हम शूट कर रहे थे तो उस वक्त एक लड़के को मैंने एक रोल दिया था जी। और वो रोल वो नहीं कर पाया। अच्छा। सूरज भी ढल रहा था, मैंने कहा, मैंने भी सोचा कि भाई अगर आज अगर ये गीत पूरा नहीं हुआ तो कल फिर लाएं, पूरी टीम को लाना पड़ेगा। 37 लोगों की टीम थी, एक बस भर के मैं ले गया था, खर्चा बहुत हो रहा था। तो फिर मैंने वो एक कंडक्टर का रोल मैंने जो था बस का वो मैंने किया। तो एक गीत है उसमें, सुनाओ आप। तो उस गीत के बीच में मैंने अपना जो एक रोल अदा किया है वो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको। मेले के अंदर एक भीड़ है, शाम का समय है, लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं इधर बैठी है, कुछ लोग इधर बैठे हैं कि बस अगर आ जाए तो। तो मैं कंडक्टर हूं और बस लेकर के मैं आया। बस लेकर के आया तो मैंने आवाज़ लगाई, अरे आ जा भाई, कहाँ जा रही छे? अरे ठहर जा भाई, ठहर जा, मैंने हमारे गाँव जानो छे। बोल बोल कहाँ जाओगी, बोल बोल कहाँ जाओगी। मैंने कि अबे पूरा भीमपुरा गटकाणा मेदगंज धाणी मुआसो पेलातपुरो नकपुरो मानपुरो गुमानपुरो अड़ल्या पड़ल्या किशनपुरो गोलिया एड़ी खुराड़ खजूरी पीछे अड़ो बांडा घुसा बांडा अड़ो गलाणो सुवाणो रेलगांव कुंदनपुर चार चौमा का आजा आज आ रही छू भाई, आ रही छू, ठहर जा मुँह भी चालूंगी। तो यो रोल मैंने एक अदा करियो कंदर। कछूला हांडी फूकणी, कछूला हांडी फूकणी, खर्चू छाणा राख, चूला हांडी फूकणी, खर्चू छाणा राख, अरे हेरिया सूबी न मिले अब बुबड़मा आग।
हेरिया सूबी न मिले अबू बुबड़ में आग के अबू बुबड़ में आग गूंदियों दुकड़िया में आटो अबू बुबड़ में आग गूंदियों दुकड़िया में आटो और जी आंडी में दाल आलनी उमई रंतो खाटो जी हांडी में दाल आलनी उमई रंतो खाटो के कांदा गुल्फो अर लालरी मेथी पालक चमड़ाई कांदा गुल्फा अर लालरी मेथी पालक चमड़ाई मूली बथवा अर मोगरी माँ बाड़ी सूँ लाई क बर्तन मंजता राखसूँ बर्तन मंजता राखसूँ चमचम करता पात्र बर्तन मंजता राखसूँ चमचम करता पात्र और हुक्म चाल तो दादाजी को हाँ उकारो मात्र क टाबर टोली सगड़ा खाता क टाबर टोली सगड़ा खाता दादी माँ के लार टाबर टोली सगड़ा खाता दादी माँ के लार और नई बींदड़ी बात बूझती नई बींदड़ी बात बूझती टचकारी सुवार नई बींदड़ी बात बूझती टचकारी सुवार आज जमानो बदल गयो जी बदल गई सब रीत और कुकर चूल्हा गैस का घर घर का छेमी कुकर चूल्हा गैस का घर घर का छेमी बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई जो आज मतलब लुप्त सी हो गई है। सोनगरा जी आप जर्मनी जा रहे थे लेकिन हमारे बुलावे पर आज यहाँ आए तो हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।